यूथ कॉर्नर में आपका स्वागत है। आजमगढ़ 14 में से 13 विधायक सपा के, फिर भी नहीं बची जमानत। भाजपा के बागी प्रत्याशी ने फेरा अरुणकांत यादव के सपनों पर पानी, नहीं काम आई पिता की बगावत। आजमगढ़ जनपद के राजनीतिक परिणाम हमेशा शीर्ष राजनीतिक परिणाम के विपरीत ही आता है। अगर यह कहा जाए कि आजमगढ़ पर राजनीतिक तूफान का भी कोई असर नहीं पड़ता तो गलत नहीं है। पिछले 10 सालों के राजनीतिक परिणामों पर अगर नजर डाला जाए तो आजमगढ़ ने ऐतिहासिक और विपरीत संदेश दिए हैं, और अंततः एमएलसी चुनाव में भी जनपद में आए परिणाम ने अलग ही राजनीतिक गाथा लिख दी। मऊ आजमगढ़ में कुल 14 विधानसभा सीटों में से 13 सीटों पर सपा ने विजय हासिल की है। इसके बावजूद एमएलसी चुनाव में सपा प्रत्याशी की जमानत जब्त होना एक नई राजनीतिक पटकथा को लिखने जैसा हो गया। बताते चलें कि मऊ आजमगढ़ प्राधिकार चुनाव में जहां भाजपा ने पूर्व विधायक अरुणकांत यादव को अपना प्रत्याशी घोषित किया था, तो वहीं भाजपा एमएलसी के पुत्र विक्रांत सिंह ऋषु ने निर्दल प्रत्याशी के रूप में पर्चा भरकर बागी के रूप में ताल ठोंक दिया। इतना ही नहीं, पिता व भाजपा एमएलसी यशवंत सिंह द्वारा विक्रांत सिंह ऋषु के समर्थन में डोर टू डोर संपर्क किया जाने लगा। भाजपा शीर्ष नेतृत्व द्वारा इस बाबत कड़ी कार्रवाई करते हुए एमएलसी यशवंत सिंह को 6 वर्ष के लिए पार्टी से निष्कासित भी कर दिया गया। वहीं भाजपा प्रत्याशी अरुणकांत यादव के पिता रमाकांत यादव, जो वर्तमान में फूलपुर पवई सीट से सपा के विधायक हैं, बता दें कि इस सीट पर अरुणकांत यादव भाजपा के टिकट पर 2017 में चुनाव जीतकर विधायक बने थे। सपा विधायक रमाकांत यादव ने एमएलसी चुनाव में सपा के घोषित प्रत्याशी राकेश यादव गुड्डू और अपने बेटे अरुण यादव के मैदान में आने पर रेफरी की भूमिका में खड़े रहने की बात कही थी। इसी भूमिका में वे डोर टू डोर समर्थन मांगते रहे। इस तरह जनपद का यह चुनाव काफी दिलचस्प हो गया था। विदित हो कि अभी हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में मऊ और आजमगढ़ में जिले की कुल 14 सीटों में से सपा ने 13 सीटों पर जीत हासिल की। आजमगढ़ में तो 10 सीटों पर सपा प्रत्याशी भारी मतों से चुनाव जीते हैं। फिलहाल आजमगढ़ सदर लोकसभा सीट पर उपचुनाव होना है। यहां से सपा प्रमुख अखिलेश यादव सांसद रहे, जिन्होंने करहल विधानसभा से चुने जाने के बाद आजमगढ़ सदर सीट से इस्तीफा दे दिया। एमएलसी चुनाव में भाजपा के बागी प्रत्याशी विक्रांत सिंह ऋषु को जहां कुल 4075 मत प्राप्त हुए, वहीं भाजपा प्रत्याशी अरुणकांत यादव को 1262 तथा सपा प्रत्याशी राकेश यादव गुड्डू को 356 मत प्राप्त हुए हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि चुनाव परिणाम देखने से यह प्रतीत हो रहा है कि सपा ने चुनाव लड़ा ही नहीं। फिलहाल आने वाले उपचुनाव को देखते हुए जनपद का यह चुनाव समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को रणनीतिक रूप से काफी कुछ संकेत दे रहा है। अब देखना यह है कि ऊंट किस करवट बैठता है। आजमगढ़ से पद्माकर पाठक की खास रिपोर्ट। बड़ी जीत हासिल हुई, क्या कहेंगे? जी, ये जनता का आशीर्वाद और प्यार है, जो जनता के बीच में लगातार हम लोग 3 पीढ़ियों से कार्य कर रहे हैं, उसी की वजह से जनता ने आज और जनप्रतिनिधियों ने दोनों जनपदों के अपना आशीर्वाद के रूप में इतनी बड़ी ऐतिहासिक जीत दी। जिस तरीके से चुनाव के समय पार्टी ने अरुणकांत यादव को प्रत्याशी बना दिया, फिर पिताजी को निष्कासित भी कर दिया गया था, आज बड़ी जीत मिली है, क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम लोग का पूरा परिवार स्वर्गीय श्री चंद्रशेखर जी के राजनीतिक तौर पर अनुयायी रहा है, और मेरी श्रद्धा जो है पूज्य महाराज जी के प्रति है। अभी जुड़े रहेंगे पार्टी में? पार्टी में क्या, निर्दल लड़ा हूँ पार्टी से तो नहीं। जैसे आपने बोला कि आस्था है हमारी, आस्था बताया, आस्था है, आस्था क्या है, वो बात की बात है, वो बात की बात है।